देश की 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों का देश सदैव ऋणी रहेगा। साथ ही महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम परिवार समर्पित है। हमारी सरकार लगातार लोक कल्याण के कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के अन्न का वितरण किया जा रहा है तो वही वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, 15 अगस्त बड़े हैं धूमधाम से हर भारतवासी मना रहा है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत दिवस के रूप में मना रहे हैं। अमृत दिवस में बना करके हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है कि जितने भी हमारे शहीद हैं, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने अपनों को खोया है, उनका सम्मान होना चाहिए। नगर निगम ने पिछले दिनों जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी मूर्तियों को नगर निगम ने सफाई कराई है और सफाई करा कर हम लोग वहाँ पर दीप जलाए हैं। वहाँ उनके मूर्तियों को मंदिर के रूप में एक सजाया है। यह सब तब संभव हुआ है जब केंद्र और अपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग शहीदों का सम्मान करना जानते हैं, उन्हीं के वजह से अब हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और उसके प्रति कर्तव्य भी दिए हर नागरिक को। 15 अगस्त दिन भारतीय संविधान की रक्षा करने की, उनमें दिए गए अधिकारों को ध्यान देना चाहिए कि हमें संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं। साथ ही साथ उसमें हमें कर्तव्य पालन का भी निर्देश दिया है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम हर तरह से आज़ाद हैं। हर डिसिप्लिन का पालन करते हुए हमें स्वतंत्रता मनानी है, शहीदों का सम्मान करना है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और विभिन्न देशों में जो हो रहा है हम दुनिया को देख रहे हैं। तमाम धांधलियां मची हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम गणतंत्र को, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम कर रहे हैं। अभी संसद में कुछ अभद्र घटनाएं हुई हैं, इसे पूरे देश को चिंता है। मैं विरोधी पक्ष को सचेत करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने संसद नहीं चलने दिया तो देश का विकास रुक जाएगा, जो उनकी मंशा है। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि संसद को चलाएं, उसी से देश का विकास होगा और हम सभी भारतवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और हमारे सीमाओं पर जो विरोधी शक्तियां हैं लगी हुई हैं हमारे सीमाओं पर, उनको मुंहतोड़ जवाब यही होगा कि हम लोग अपने गणतंत्र को उल्लास से मंगाएं और संविधान में दिए गए अधिकार का पूरी तरह से पालन करते हुए संसद को अच्छी तरह से चलने दें। और नगर निगम गोरखपुर अपने यहाँ 8 बजे झंडा पार आएगा, राष्ट्रीय गीत होगा, शहीदों का सम्मान करेंगे और विभिन्न कार्यक्रम हमारे नगर निगम में होंगे। मलिन बस्तियों की सफाई करेंगे। मैं शहरवासियों से कहूँगा कि इसको शालीनता के साथ इस खुशी को मनाएं और शहीदों का सम्मान करें, जिससे कि हमारी आज़ादी सुरक्षित रहे। यही हमारा यहाँ के नागरिकों से अपील है। और सब लोग प्लास्टिक का झंडा न लगाएं, वो तो कपड़े का झंडा लगाएं, जिससे कि हमारे पर्यावरण का नुकसान ना हो। मैं एक बार पूरा
अपने सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद।